गुमला के बघीमा के रहने वाले 22 साल के विजय साहू ने खुद कीटनाशक पदार्थ खा लिया, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला लाया गया। लगभग रात के 9:30 बजे जब इमरजेंसी में उसे लाया गया तो वहां मौजूद डॉक्टर प्रेम प्रकाश शराब के नशे में दिखे। लोगों ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। वहां मौजूद मरीजों ने डॉक्टर प्रेम कुमार की हालत देखकर मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष जुम्मन खां को इस बात की जानकारी दी। रात में ही मरीजों का हाल चाल लेने के लिए जुम्मन अस्पताल पहुंच गए, जहां शराब के नशे में मौजूद डॉक्टर प्रेम कुमार को मरीजों ने खूब खरी खोटी सुनाई। मौके पर जुम्मन खां ने उक्त डॉक्टर से कहा कि गुमला जिला का मुख्य सदर अस्पताल है और रात को यहां इमरजेंसी पर जिले के विभिन्न जगहों से मरीज आते हैं और ऐसे में मात्र एक डॉक्टर, वो भी नशे की हालत में, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस बात की जानकारी सिविल सर्जन को देकर इस पर अंकुश लगाने की बात कही है ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि वे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अपील करते हैं, गुमला जिले के आम जनता के जीवन के साथ डॉक्टर खिलवाड़ न करें। अगर इस विषय पर सुधार नहीं हुआ तो आगे से संघ ऐसे शराबी चिकित्सकों के खिलाफ आंदोलन करेगी। मालूम हो कि सरकार जहां नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को आरोग्य जीवन प्रदान करना चाहती है, वहीं खुद ऐसे लापरवाह चिकित्सक शराब के नशे में अस्पताल पहुंचकर रोगियों का इलाज करेंगे तो हर रोगी का क्या हाल होगा। इसलिए ऐसे शराबी चिकित्सकों पर हर हाल में कार्रवाई होनी ही चाहिए ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। मैं लिखा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, उसमें मैंने लिखा। आपको हम 3 दिन से लगातार ऐसे मुंदा दादा, हाँ, आज भी छोड़ा, माफ कर देता हूँ, लगातार देख रहे हैं, ये आज का नहीं है, आपको हम 3 दिन से लगा, 3 दिन से, जी सर, तो मैं 3 दिन से ड्यूटी ही नहीं था, कल था, ठीक है, आज है, दवाई लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, वही तो पूछे, नहीं दे रहा, हम चीट कर रहे हैं, खाना तो चीट में बोल रहे हैं, तो नहीं दे रहा है, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।